और आइए आगे बढ़ते बताते हैं आपको कि पीएम मोदी आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज राज्य में पहली बार एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। रुद्रपुर में पीएम मोदी की मेगा आज रैली होने वाली है। इसमें सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा के प्रत्याशी भी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस रैली में हिस्सा बनने वाले हैं। रुद्रपुर में पीएम मोदी 11:55 पर हेलीपैड पर उतरेंगे और 12 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। 12:10 पर देवभूमि की जनता को संबोधित करेंगे। तो दोपहर 12 बजे आज पीएम मोदी को सुनिए आप उत्तराखंड के रुद्रपुर से। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी ध्यान रखिए, पिछली बार जिस तरह से 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने पहाड़ से, उत्तराखंड से, इसी स्थल से जहां से आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, यहीं से अपने चुनाव प्रचार का उत्तराखंड में आगाज किया था। और इस बार फिर से इसी मैदान को चुना गया है। भारी संख्या में यहां पर लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए जुटेंगे। पीएम के साथ साथ यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे और तमाम दिग्गज आप मंच पर देख सकेंगे। तो इस बार मुकाबला वैसे तो एक तरफा कहा जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी की मौजूदगी उत्तराखंड में बीजेपी को और मजबूत कर देती है। उनकी हुंकार आज उत्तराखंड वासी सुनने वाले हैं। उत्तराखंड से 5 सीटें आती हैं लोकसभा की, जिस पर पिछली बार भी बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी और इस बार भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। मतलब पिछली बार के मुकाबले इस बार और रिकॉर्ड तोड़ जीत बीजेपी दर्ज करे, इसके लिए लगातार चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार उत्तराखंड में सुनी जाएगी। आज दोपहर 12 बजे के करीब पीएम मोदी की चुनावी जनसभा होने जा रही है रुद्रपुर में। इसके अलावा और कई और जिलों की तरफ भी रुख करेंगे, लेकिन इस पर जानकारी लेंगे हम और हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी से। लाइव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र नेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे के करीब यहां पर जनता को संबोधित करेंगे, आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए पीएम मोदी कितने बजे यहां पहुंचेंगे, कब तक ग्राउंड में पहुंचेंगे, कितनी भारी संख्या में यहां पर लोग पीएम को सुनने आने वाले हैं, कौन कौन मंच पर होगा और क्या तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, मंच पूरी तरीके से सज चुका है। मैं मंच से इस समय थोड़ी दूर पर हूं और प्रधानमंत्री को इसी रोड से निकलना है, तो यही वजह है कि रोड के किनारे किनारे जो आपके पोल्स लगे हुए हैं उनको इस तरीके से सजाया गया है और ये बीजेपी की जो होर्डिंग्स हैं ये लगाए गए हैं, जिसमें मोदी सरकार ने जो स्कीमें चलाई, जो धामी सरकार ने स्कीमें चलाई, उनका भी कुछ बीजेपी ने अपने बैनर्स में जिक्र किया है। दूसरा, मोदी की गारंटी जो बात हो रही है महत्वपूर्ण, लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि किसी भी बात को वो कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, यानी मोदी की गारंटी है, तो बीजेपी ने उसी पर फोकस किया है। उसके अलावा दूसरे पोस्टर्स जो लगाए गए हैं उसमें नियत की बात हो रही है और विजन की बात हो रही है। तो इस तरीके से इसी रूट से प्रधानमंत्री को निकलना है और 5 मिनट लगेगा प्रधानमंत्री को हेलीपैड से, तकरीबन जो है 11:55 पर प्रधानमंत्री को हेलीपैड पर उतरना है। रुद्रपुर में एक स्थायी हेलीपैड बनाया गया है पीएससी का, वहां पर उतरेंगे। वहां से उतरने के बाद प्रधानमंत्री इसी रोड के जरिए सीधे पहुंचेंगे जो रैली का स्थल, यानी मोदी मैदान जो है, जहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर चौथी रैली। और वैसे ठीक है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, शैलेंद्र नेगी बता रहे हैं इस पर जानकारी और दे रहे हैं। शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते, आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पीलीभीत, बदायूं, बरेली के दौरे पर रहने वाले हैं। इन जगहों पर वो बीजेपी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। लगातार प्रबुद्ध जन संबोधित उनको करते आ रहे हैं और आज एक बार फिर से 3 जिलों का दौरा करने जा रहे हैं जहां पर प्रबुद्ध जन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी। पीलीभीत में सुबह 11 बजे का कार्यक्रम उनका है, रामा इंटर कॉलेज के पास में प्रबुद्ध सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के लिए समर्थन में यहां पर वोट मांगे जाएंगे। इसके अलावा सीएम योगी बदायूं भी जाने वाले हैं, दोपहर 1:10 पर बदायूं क्लब में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी। फिर दोपहर 2:40 पर वो बरेली इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे जहां पर एक बार फिर से सम्मेलन होने जा रहा है जहां पर प्रबुद्ध जन का, उनके बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भर भर के वोट देने की अपील करेंगे। तो देखिए, पीलीभीत में बीजेपी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद जोर शोर से अपना प्रचार कर रहे हैं,
लगातार जनसभा और नुक्कड़ सभा करके अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। जितिन प्रसाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार भी उनके प्रचार में जुटे हुए हैं। जितिन प्रसाद की जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। जितिन प्रसाद अपने संबोधन में पीएम मोदी के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं। माध्यम है, असली में तो जो कमल के फूल का बटन दबेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए होगा, क्योंकि अब तीसरे कार्यकाल के लिए होगा, इन बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए होगा। कमल के फूल का बटन जो दबेगा आपके सम्मान और आपकी सुरक्षा के लिए होगा। मेरठ में आज बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल नामांकन करने पहुंचेंगे और रामायण सीरियल के राम का भक्तिमय अंदाज में नामांकन होगा। शंख ध्वनि के साथ रामायण सीरियल के राम कचहरी पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे अरुण गोविल। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे नामांकन से पहले शहर में रोड शो होगा, जिसकी अगुवाई अरुण गोविल करेंगे। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। मेरठ दक्षिण क्षेत्र में कल अरुण गोविल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए अरुण गोविल नजर आए हैं और सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड हो, लोगों से उन्होंने ये बड़ी बात कही है। पीएम मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया, सीएम योगी का भी उन्होंने आशीर्वाद देने की बात कही और उनको पूरा भरोसा है कि इस बार 400 पार का नारा सत्य होने जा रहा है। मैं अपनी आशाओं को आपके ऊपर केंद्रित कर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो आपका कर्तव्य है वो आप उसे अवश्य करें। आज यहां बात हो रही है कि 5 लाख वोटों से जीतना है। हां, मैं भी कहता हूं, पर मेरा गुजारा 5 से नहीं होगा। मेरा गुजारा होगा उस रिकॉर्ड से जो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड आदरणीय मोदी जी ने जो किया है इस देश के लिए, और पर्सनल उनको अगर आप हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस व्यक्ति ने जो कहा है वो पूरा कर दिया। योगी जी ने जो कहा है वो पूरा कर दिया है। अयोध्या सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे अमरोहा के गजरौला में साइबर अयोध्या सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बरेली से खबर, जहां पर तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तौकीर रजा के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी हो चुके हैं। पेश ना होने पर कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। 8 अप्रैल को अरेस्ट करके पेश करने को कहा गया है। मुनादी करके घर की कुर्की करेंगी पुलिस और 2010 के दंगे का मास्टरमाइंड है तौकीर रजा। बीमारी के चलते तौकीर रजा दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में इस समय भर्ती है। जिला जज विनोद कुमार दुबे ने तौकीर के खिलाफ जारी किया है नॉन बेलेबल वारंट। 82 सीआरपीसी की भी कार्रवाई करने को कहा गया है। वर्तमान में मानी सत्य आ रही न्यायालय में विचाराधीन है। आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त तौकीर रजा के माननीय न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उसके विरुद्ध पुनः
एनबीडब्ल्यू जारी करने का आदेश व ब्यासी की कार्यवाही जारी करने का आदेश पारित किया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल के अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। सीयूजी नंबर पर जान से मारने की धमकी उनको दी गई है। अज्ञात व्यक्ति ने जेल अधीक्षक के मोबाइल नंबर में फोन करके उनको ये जान से मारने की धमकी दी। जेल अधीक्षक की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नगर कोतवाली में केस दर्ज हो चुका है। बांदा के जेलर को किसने दी धमकी? कौन लेना चाहता है मुख्तार का बदला? आधी रात को किसने दी अफसर को गालियां? जेलर को धमकी के पीछे मुख्तार कनेक्शन? माफिया की मौत से आईएस 191 गैंग बौखलाया हुआ है। गैंग के शूटर जेल में तो है, तो गुर्गे मुख्तार की मौत का बदला लेने की बात कह रहे हैं। इस कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब बांदा के जेलर को फोन पर धमकी मिली। और ये धमकी करीब रात के 1 बजे दी गई। जेल में बंद रहे पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद बांदा जेल के जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली है। के जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के पास लैंडलाइन नंबर से एक अज्ञात कॉलर का फोन आता है जिसमें उसे ठोक देने की धमकी देता है। ये सब जानते हैं कि माफिया मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक की बात सामने आई, लेकिन मुख्तार गैंग के लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। आशंका है कि इसी शक के चलते गैंग के किसी गुर्गे ने जेलर को धमकी दी होगी। धमकी से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक 28-19 अप्रैल की रात 1:37 पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने कुल 14 सेकंड बात की। इस दौरान उसने जेलर को जान से मारने की धमकी और भद्दी भद्दी गालियां दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दावा है कि जल्द ही धमकीबाज कानून की गिरफ्त में होगा, फिर चाहे वो किसी भी गैंग से जुड़ा क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर लखनऊ से है, जहां पर सिपाही की पिटाई कर पिस्टल लूटने के मामले में FIR। बाइक टकराने पर सिपाही से मारपीट हुई है, सर्विस पिस्टल भी लूटी गई है। हेड कांस्टेबल विनोद कुमार की बाइक स्कूटी सवार 3 युवकों से टकराई थी और टक्कर के बाद गाजीपुर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल विनोद कुमार से मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ये बड़ी बात आपको बताते हैं कि उस समय वर्दी में नहीं थे ये अधिकारी विनोद कुमार। कांस्टेबल विनोद कुमार ने समय वर्दी नहीं पहनी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज से ये पूरा मामला जो है और साफ हो जाता है। साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी का नंबर भी ट्रेस कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कल देर शाम की ये घटनाएं इंदिरा नगर इलाके की। अखिलेश यादव आज कन्नौज के दौरे पर रहेंगे। यहां वो नसरापुर स्थित पार्टी कार्यालय पर सेक्टर बूथ और जोन प्रभारी सहित सेक्टर पर्यवेक्षक के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में वो लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी ने अभी तक कन्नौज से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन यहां एक बड़ी बैठक अखिलेश यादव करेंगे। छोटे से ब्रेक लिया, रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।